वेलकम बैक। इस टॉपिक में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। देखो, हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए या तो हम अपने स्कूल के लैब में कर सकते हैं, या तो हम बेचने के लिए इंडस्ट्री में कर सकते हैं। देखो, लैब वाला मेथड महंगा होगा बट आसानी से बन जाएगा। इंडस्ट्री वाला मेथड कॉम्प्लेक्स होगा बट सस्ते में बनेगा। तो हम लोग एक एक करके दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लैब मेथड देख लेते हैं। देखो, लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन। लैब में बनाने के लिए हम लोग मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ये तो 9th में हम लोग पढ़े थे, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखते हैं, अपने पास जिंक है। जिंक को हम लोग HCl से रिएक्ट करा देंगे। रिएक्शन के बाद बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बन गया अपना हाइड्रोजन। सो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। जिंक हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रैन्यूलेटेड लेते हैं। ग्रैन्यूलेटेड मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। एसिड हम लोग डाइल्यूट लेंगे तो भी अपना काम हो जाता है। और हम लोग को हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड जो कि अपना सॉल्ट है वो मिल गया। इसके अलावा कोई और मेटल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत सारे मेटल हैं विच रिएक्ट विथ एसिड टू गिव हाइड्रोजन। कोई और एसिड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक प्लस H2SO4, ये H2SO4 डाइल्यूट रखना है। यहाँ पर आपको मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, वही चीज है। देखो, इसको तो डाइल्यूट जरूरी है रखना, क्यों? अगर मैं इसे कंसंट्रेटेड कर देता हूँ तो कॉन्क H2SO4 कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट से मैं अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लूँगा तो ये जो हाइड्रोजन बना है ना, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कॉन्क H2SO4 ले लेंगे तो ये हाइड्रोजन नहीं, वाटर बनाएगा। तो इसीलिए कॉन्क H2SO4 नहीं लेना है। ठीक है, क्या नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं? तो देखो, नाइट्रिक एसिड लेने से काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन जो मिलेगा भी ना, वो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान रहेगा, एसिड हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं। HNO3 इज नॉट यूज्ड इन प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा। देयर आर ओनली फ्यू मेटल्स विच गिव हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, और वो भी यील्ड अच्छा नहीं होता। नाइट्रिक एसिड शुड बी अवॉइडेड। क्यों? ये एसिड कम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है। फिर से बता रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड के दो बिहेवियर है, एसिडिक बिहेवियर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बिहेवियर। नाइट्रिक एसिड, एसिड कम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है वो। ठीक है, तो नाइट्रिक नहीं लेते। अब क्या कोई भी मेटल ले सकते हैं? तो हाँ, कोई भी मेटल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो मेटल कहाँ पर है? हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले। अब हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल ही क्यों लेने हैं? देखो, ये तो 9th में पता है, नीचे वाले मेटल नहीं डिस्प्लेस करेंगे H+ को। डिटेल में आप दूसरे थ्योरी में देख सकते हैं।
पर इसके ऊपर बहुत सारे हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम। देखो लिथियम सोडियम पोटाशियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम, इनको अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि इनको साथ एसिड डालिएगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है कितनी बार। सो दीज वेरी एक्टिव मेटल्स, ये हाईली एक्टिव है ना, इनको अवॉइड कीजिए, इनसे दूर रहिए। हम लोग कौन सा लेते हैं? हम लोग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये सब लेते हैं, मॉडरेट वाले यहाँ पर है ना, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये लोग लेंगे, मजिट बोलते हैं, ठीक है, ये लीजिए मज़ा आएगा आपको लेने में। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टिन, इनको लेके कर चलिए, आसानी से हाइड्रोजन मिलेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है इनको लेने पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल एंड एसिड। नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम मेटल एंड बेस देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम मेटल एंड बेस।